क्वेश्चन है, फिगर शो ए लाइट रोड ऑफ लेंथ एल रिजिडली अटैच्ड टू ए स्मॉल हैवी ब्लॉक एट वन एंड एंड ए हुक एट द अनदर एंड. द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द रोड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन. देयर इज ए फिक्स्ड नेल एट ए डेप्थ एच बिलो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रोड एंड द रोड गेट फिक्स्ड इनटू द रिंग एंड रिवॉल अराउंड इट एज इट रीचेस देयर. What is the value of S so that ball complete vertical circular motion around nail? Vertical circular motion ये complete कर ले. Question में कहा गया है कि ये हमारे पास starting में initial position ये है, final ये है. के ये हमारे पास एक road थी जिस case में इसमें एक light block लटका हुआ है और ये क्या हो rest से ऊपर से छोड़े जाते हैं. जब ये S distance नीचे आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जो ये इसका hook था ये क्या होता है एक बोल्ट में क्या हो जाता है, नट में फिक्स हो जाता है. ओके नट में फिक्स हो जाता है, ये हिस्सा ऐसे ही फिक्स रहता है और फिर ये क्या होता है ऐसे ऐसे ये क्या करता है कंप्लीट सर्कुलर मोशन. ये कहता है फिक्स हो गया यहाँ से, अब इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो ये कितना नीचे आया है और ये वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है. वेलोसिटी की होगी, यहाँ से वेलोसिटी दी गई थी तो ये इतना एच डेप्थ नीचे आ गया. अब ये क्या कर रहा है कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले तो ये एच हाइट बताने है कितना डेप्थ नीचे आएगा कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले. सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले ये डेप्थ हमें बतानी है, एच की वैल्यू बतानी है क्या होगी. ओके वैल्यू ऑफ एच की द ब्लॉक इज कंप्लीट द सर्कुलर मोशन. ए अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले. ए से इसको छोड़ा गया रेस्ट से बी तक पहुंचने ये एच डिस्टेंस इसने मान लीजिए एच डिस्टेंस ये डेप्थ नीचे आया है. यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन है ये नेल जो हुक था वो नेल में अटक गया है. अभी इसको ये क्या करना है इसको अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो ये बताना है कि ये एच की वैल्यू क्या होगी, कितना नीचे आया कि ये क्या करेगा अपनी वेलोसिटी आगे इसकी भी और ये कंप्लीट करेगा अपना सर्कुलर मोशन. तो हमारे पास क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी बी. ओके मैकेनिकल एनर्जी ए तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि ये क्या है स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है ये रेस्ट में है. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी स्टार्टिंग में ये क्या है रेस्ट में है. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसको हमने क्या मान लिया रेफरेंस माना है यहाँ पे जब है इसको हमने रेफरेंस माना तो एम जी एल प्लस एच ये हमारे पास एल है ये वाले एल है तो ये यहाँ रखा है एल प्लस एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो. ये बी जो होगी ये क्या हो जाएगी रूट फोर जी एल की हो जाएगी. हमें पता है कि वेलोसिटी हम इसको रूट फोर जी एल देंगे रोड के केस में तभी वो क्या करेगी कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी. या फिर हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं ए से बी तक हम क्या निकालते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो बी इक्वल टू आ जाएगा रूट फोर जी एल. ओके तो एम जी एल प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम रूट फोर जी एल का स्क्वायर. ओके तो एम जी एल प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम इंटू में फोर जी एल टू एम सी एम क्या हो जाएगा कैंसिल तो जी एल प्लस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास या फिर जी से जी भी क्या हो जाएगा एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा एल प्लस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा टू एल क्या गया हमारे पास तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा टू एल माइनस एल तो एच इक्वल टू आ गया एल. तो ये L नीचे आएगा डेप्थ L डेप्थ नीचे आएगा तो हमारे पास ये क्या होगा ब्लॉक जो होगा अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा. तो डेप्थ कितनी होगी L के बराबर. दिस इज द क्वेश्चन.